हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जिम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने माइक के आई हूँ अपने घर। ये मेरा भतीजा है, सो रहा है। बच्चे बना रहे हैं पतंग। ये देखिए, बारिश का मौसम रहा, हवा चल रही है, तो बच्चे पतंग बना रहे हैं। और यहाँ पर ही झूला झूल रही है। मैं यहाँ पे चने का आटा पीस रही हूँ बड़ी के लिए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आज चक्की से पीस रही हूँ। दोस्तों, ये हमारे घर की चक्की है। ये चक्की लगभग हर घर में मिल जाती है, गाँव में तो, शहरों में तो नहीं है, लेकिन गाँव में भी आजकल कम होने लगी है। पुराने टाइम में लोग आज चक्की से आटा पीस कर खाते थे, हमारे दादा परदादा टाइम में। अभी तो ये सब नहीं होता है, तो मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। कुछ दिनों से पड़ी हुई है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम रोज़ रोज़ तो नहीं करते, कुछ दिनों से करते हैं। ढकी होती है, फिर भी धूल मिट्टी काफ़ी हो जाती है, और आजकल आंधियाँ भी चलती है। तो मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। फिर हम दाल का बेसन बनाएंगे। ये 5 किलो दाल है जो धूप में सुखा दी थी दिन भर के लिए। इनमें काफ़ी नमी हो जाती है, धूप में सूखने के बाद अच्छी तरह से पिस जाती है। तो मैं पीसना शुरू करती हूँ। अकेले से मेरे से नहीं हो पाएगा, मम्मी मेरे साथ करवाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है बेसन पीसना। ऐसे काम हम रोज़ रोज़ तो नहीं करते हैं, तो हो नहीं पाता है। तो धीरे धीरे करके मैं दाल पीसूंगी। थोड़ी थोड़ी डालकर पीसनी पड़ती है, वरना साबुत दाल निकल जाती है। बड़ी काटा बना रहे हैं, तो बड़ी काटा हम थोड़ा बड़ा बड़ा रखेंगे, बिल्कुल बारीक हमें नहीं करना है। तो मैं यहाँ लगी हुई हूँ, बच्चे भी यहाँ पास में मस्ती कर रहे हैं, और मम्मी जी भी पास में बैठे हुए हैं। मेरी मम्मी मेरे साथ बेसन पिसवाएंगे। हम दोनों माँ बेटी मिलकर बेसन पीस लेंगे। अकेले से तो मम्मी से भी नहीं हो पाता है, और मेरे से भी नहीं हो पाएगा, तो दोनों आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से घुमाते घुमाते हम पीस लेंगे। दोस्तों, थोड़ा बहुत दलिया पीसना होता है, थोड़ा बहुत बेसन बनाना होता है, तो हम घर में ही पीस लेते हैं। हाथ चक्की से आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा बेसन हम पिसवाने जाते हैं तो पिसता नहीं है, और घर पर आसानी से हो जाता है। और साथ में हम बड़ी बना रहे हैं, तो मैं बड़ी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दाल पीसनी हमने शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे अकेले से दाल पीसी नहीं जा रही थी, तो मम्मी मेरे साथ लग गए हैं। बहुत मुश्किल हो रहा था, दाल चिपक रही थी नीचे, तो पीसी भी नहीं जा रही थी। चाकी रहने वाली है, कुछ टाइम बाद में इसको राया जाता है, लेकिन इसको एक भी बार नहीं रहा गया है, तो दाल चिपकने लगी और बहुत मुश्किल से पीसी जा रही है। तो हम दोनों लगकर बेसन पीस रहे हैं, दोनों आसानी से पीस लेंगे। मम्मी दाल डाल रहे हैं, बहुत ही थोड़ी थोड़ी दाल हमें डालनी पड़ती है। अगर हम बहुत ज़्यादा दाल डालते हैं तो दाल सीधी निकल जाती है और फिर पीसी नहीं जाती। तो हम दोनों लगे हुए हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं पीसते पीसते। फिर हाथ चेंज करके हम पीस रहे हैं, लेकिन मम्मी एक हाथ से पीस रहे हैं। उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो लगे हुए हैं, और साथ में दाल भी डाल रहे हैं। दोनों पीस रहे हैं तो आसानी से पीस जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और एक अकेला बंदा अगर पीसता है तो मुश्किल हो जाता है, और बोर भी हो जाता है। शाम का टाइम और गर्मी भी हो रखी है, पसीने वैसे भी आते हैं हम दाल पीसते टाइम। अगर चक्की का काम करते हैं तो पसीने छूटते हैं। पंखे का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन साथ साथ में बातें कर रहे हैं और साथ साथ में दाल पीस रहे हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और माँ बेटी की बातें कभी ख़त्म भी नहीं होती। तो मैं अपने घर में आई हुई हूँ कुछ दिनों से, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी दाल पीस लेते हैं दोस्तों। दाल पीसने के बाद हम इसकी बड़ियाँ बनाएँगे। बड़ियाँ तो हम सुबह बनाएँगे, शाम का टाइम हो गया है।
दोस्तों तो लगभग बेसन हमने पीस लिया है माँ बेटी ने मिलकर, बहुत आसानी से हो भी गया है। 5 किलो दाल कैसे पीस गई पता ही नहीं चला बातों बातों में। सीने तो खूब आ रहे हैं लेकिन जब माँ बेटी बातें करने लगती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। दोस्तों कल हमने बेसन पीस कर छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम हो गया था, शाम का टाइम था तो हम रात के टाइम में बड़ी नहीं बना सकते। अगर हम शाम के टाइम बड़ी बनाती हैं तो सूखती नहीं है, धूप की ज़रूरत होती है, तो हम अगले दिन बड़ी बना रहे हैं। तो मम्मी यहाँ लगे हुए हैं बड़ी का आटा लगाने में, तो बड़ी का पानी हमने बना लिया था, पापड़ और बड़ी का पानी एक साथ में बनाया था। तो अगले वीडियो में आपको बड़ी और पापड़ का पानी बनाना बताऊँगी और पापड़ की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मम्मी लगे हुए हैं बड़ी का आटा लगाने में और हम सब पास में बैठे हुए हैं, मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हुई है, सब बातें कर रहे हैं, बच्चे भी यहीं बैठे हुए हैं और बच्चों को ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आते हैं, तो आसपास रहते हैं, वो कहीं भी नहीं जाते हैं बहुत जिद करने के बाद भी। और बच्चे बहुत छोटे हैं तो शरारत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ऐसे काम करने की जिद भी उनके साथ रहती है। तो यहाँ पर मम्मी लगी हुई है बड़ी काटा लगाने में। दोस्तों बड़ी काटा लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, बेसन होता है तो बेसन रातों में चिपकता भी बहुत ज़्यादा, बर्तन में भी बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो धीरे धीरे इसको अच्छी तरह से लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं थोड़ी सावधानी के साथ बनाई जाती है, ऐसी चीज़ें हम बनाकर एक बार रखते हैं तो साल भर के लिए हम सब्ज़ी बनाते हैं बड़ी की। तो ये लगभग 4 से 5 किलो बेसन है, थोड़ा बहुत बचा था, बाकी सारा का सारा गूंथ लिया है बड़ी के लिए। तो मम्मी जी लगा रहे हैं आटा और हम सब पास में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली आटा हमारा लगभग लग चुका है, तो थोड़ी सी देर मम्मी जी इसको अच्छी तरह से गूंथेंगे और फिर बढ़िया तोड़ेंगे। तो दोस्तों बढ़िया तोड़ते टाइम मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, बारिश और तूफान आने लगा था, तो हमने बढ़िया तोड़ने के बाद अंदर रख दी थी और धूप नहीं थी। इस टाइम पे मानसून का टाइम चल रहा है तो बारिश हर दिन आती रहती है, मौसम बदलता रहता है, पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाए। तो जल्दी जल्दी आटा लगा लेते हैं और फिर बढ़िया भी तोड़ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगा रहे हैं। तो मम्मी जी यहाँ बड़ी तोड़ने में लगे हुए हैं, अभी तो काफ़ी धूप हो रखी है लेकिन बड़ी तोड़ने के बाद में बारिश होने लगी थी और बादल हो गए थे और तूफान भी बहुत ज़ोरदार आया था और हम साथ में पापड़ बना रहे थे तो काफ़ी मुश्किल हो गया, पूरा पानी पानी हो रहा था अंदर तक। तो मम्मी लगे हुए बड़ी तोड़ने में और साथ में पापड़ भी सूखे हुए हैं, पापड़ भी हमने साथ में बनाए थे और ये हमने इस मम्मी की हेल्प कर रहा है बड़ी तोड़ने में, लेकिन अभी वो ऑफ कैमरा है, वो शूट कर रहा है, बाद में उसने पूरी पूरी बड़ियाँ तोड़ी थी, उसका भी टाइम पास हो गया और काम भी मिल गया, तो उसे कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए, खाली वो बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तो पहले बड़ी बड़ी बड़ियाँ बनाएंगे और फिर उनको छोटा करेंगे, तो इस तरह से हम बड़ियाँ तोड़ते हैं। अगर हम मोट की बड़ियाँ बनाते हैं तो वो जर्नी से पतली पतली बनाई जाती है। किसी दिन अगर मोट की बड़ियाँ बनाई तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ी पापड़ मेरी मम्मी घर में बनाती हैं हमेशा और हम सबके साथ भी बेचते हैं। दोस्तों पहले मम्मी बड़ियों को सुखा देंगे बड़ी बड़ी करके और फिर इनको बारीक करेंगे। यहाँ पर मनीष और मम्मी लगे हुए हैं, साथ में सौर्य भी लगा हुआ है, तो पहले इनको बड़ा बड़ा छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद इनको छोटा कर देंगे। बहुत बड़ी बड़ी होती है तो सब्ज़ी बनाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो बिल्कुल बारीक करके इनको हम सुखाएँगे और एक दो दिन के लिए हम अच्छी तरह से धूप में सुखाएँगे, बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर थोड़ी सी नमी रह जाती है तो फिर बढ़िया ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सूखने के बाद इनको हम स्टोर करके रखेंगे और साल भर के लिए सब्जियां बनती रहती हैं। जब भी कोई सब्ज़ी घर में नहीं होती है तो हम बड़ी या पापड़ बना लेते हैं। गांव में ऐसी सब्जियां घर में लगभग मिल जाती है, तो मम्मी इसको आ रहे हैं बढ़िया और हम सब भी यहाँ पापड़ बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों अगर ये मेरी मम्मी की छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक मेरी मम्मी के लिए ज़रूर करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों पूरी की पूरी बढ़िया बन चुकी है, तो धूप पे सूखने के लिए इनको डाल देते हैं। इस टाइम पे धूप अच्छी हो रखी है लेकिन थोड़ी देर बाद में बारिश और तूफान आने लगे थे, तो हमने पंखे के नीचे बढ़िया को डाल दिया था, तो पंखे के नीचे अच्छी तरह से नहीं सूखेगी, अगले दिन हमने धूप में डाल दी थी। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।